हेलो एवरीवन, उपभोक्तावाद की संस्कृति, यह पाठ श्यामाचरण दुबे जी का रचित है। इस पाठ में जीवन की समस्या को बताया गया है। जीवन की समस्या क्या है? उपभोक्तावाद को लेकर के यहाँ पर निबंध लिखा गया है। उपभोक्तावाद का मतलब है उत्पादन बढ़ रहा है और लोग अपना सुख इसी में समझ रहे हैं कि अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर लिया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वह बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग कर ले। इसे उपभोक्तावादी संस्कृति कहा है। उपभोक्तावादी जीवन दर्शन भी लोगों में प्रवेश करता जा रहा है। नई परिस्थितियों में लोगों का जीवन चरित्र बदल गया है, यानी कि हम अपने आप को उत्पाद को अर्पित करते चले जा रहे हैं, यानी वस्तुओं के प्रति हम समर्पित हैं। आज आप बाज़ार में जाकर के देखेंगे तो अनेक प्रकार की वस्तुएं आपको वहां दिख जाएंगी, जो हमें लुभाने के लिए अनेक रूप से सजाई गई हैं और उनके लिए तरह तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रकार का उत्पादन ही अनेक रूपों में मिल जाएगा। आप टूथपेस्ट को, साबुन को, तेल को, किसी भी वस्तु को लेकर के चलिए, उसके अनेक प्रकार आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। हर टूथपेस्ट तो एक ही है, लेकिन उसका गुण अलग अलग बताया गया है। उसी प्रकार कोई भी वस्तु एक ही प्रकार की है, लेकिन उसे भिन्न भिन्न प्रकार से करके बेचा जा रहा है। और इससे हम आकर्षित हो जाते हैं, उसके गुणों को बताया जाता है और हमें ज़रूरत से ज़्यादा हम वस्तुएं खरीद लेते हैं जो हमारी ज़रूरत भी नहीं होती है। इसी प्रकार ब्यूटी से रिलेटेड वस्तुओं में भी आप देख सकते हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम अनावश्यक रूप से वो चीज़ें खरीद लेते हैं। और प्रतिदिन नए नए उत्पादन बाज़ार में आपको दिख जाएंगे, सामान आपको दिख जाएंगे। उच्च वर्ग की महिलाएं 30-30 हज़ार रुपये तक का मेकअप का सामान एक बार में खरीद लेती हैं। यह है, उन्हें उनकी आवश्यकता कम है, बल्कि दिखावे के लिए अधिक खरीदा गया है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं, यानी दिखावे की वस्तुएं खरीदने में पुरुष वर्ग भी बहुत आगे है। अगर वस्त्रों की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, तो जगह जगह बुटीक मॉल, नए नए डिजाइन के परिधान आ गए हैं। इसी प्रकार घड़ी का काम तो है समय बताना। घड़ी का काम क्या है कि वह समय बताती है, लेकिन लोग अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए 50-60 हज़ार की घड़ियां, 1.5-2 लाख की घड़ियां यूं ही खरीद लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, ये सब वस्तुएं कुछ लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो दिखावे के लिए खरीद ली जाती हैं। यह बात उच्च वर्ग के लिए ही नहीं है, उच्च वर्ग ये काम करता हो ऐसा नहीं है। मध्यम वर्ग के लोग, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वो भी दिखावे के लिए वस्तुएं खरीदते चल जा रहे हैं। और यदि आप देखेंगे, बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना हो, 5 सितारा होटल हो, या बीमार होने पर 5 सितारा हॉस्पिटल तक बन गए हैं, 5-स्टार हॉस्पिटल हैं जिनमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। अमेरिका और यूरोप में तो ऐसा अभी एक नया प्रचलन आया है कि मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम, यानी बाद में जो उनकी यात्रा होगी उसका प्रबंध भी कर लेते हैं और पहले ही उसके लिए एक पेमेंट चुका देते हैं कि मैं जब मरूं तो मेरे लिए ये सारे इंतजाम होने चाहिए। ये प्रचलन कहाँ चल रहा है? अमेरिका और यूरोप में ऐसा चल रहा है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं, यानी दिखावा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है वो समाज में बढ़ता जा रहा है। भारत में ये चीज़ें पहले भी थी, यानी सामंती संस्कृति पहले भी थी, दिखावे की संस्कृति पहले भी थी, लेकिन
अभी जो स्थिति है वह बहुत भयंकर रूप धारण करती जा रही है और इससे लोगों की मानसिकता बदली है। मानसिकता कैसे बदली है? एक व्यक्ति ने अच्छी गाड़ी ले ली तो दूसरा व्यक्ति भी ये सोचता है कि भले ही उसके वो चीज़ काम ना आ रही हो तो भी वह सोचेगा कि मैं एक इसके जैसी गाड़ी ले लूँ या इसके जैसा बंगला मैं बना लूँ। इस व्यक्ति ने जो एक बड़ा घर बना लिया है तो मैं भी वैसा ही बना लूँ। यहाँ तक कि बच्चों में भी ये भावना घर करती चली जा रही है। एक बच्चे ने यदि 18-20 हज़ार की साइकिल ले ली तो दूसरा बच्चा भी ये सोचता है कि हालांकि उसका स्कूल के पास है घर, तो वो ये सोचता है कि जब मेरे दोस्त ने 20 हज़ार की साइकिल ले ली या 50 हज़ार का ये ले लिया तो मैं भी अपने माता पिता से ये चीज़ की डिमांड करते हैं बच्चे। तो इस तरह से ये जो संस्कृति है अभी भारतवर्ष में काफ़ी प्रवेश करती चली जा रही है, जिसे उपभोक्तावाद की संस्कृति कहा है। इससे होता क्या है, क्यों नुकसान है हमारे समाज का? अनावश्यक वस्तुओं के लिए हम अपने दिमाग पर अनावश्यक बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिन वस्तुओं की हमें ज़रूरत नहीं है उनके लिए हम अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं और अब हम जब हम अधिक धन नहीं कमा पाते हैं तो हमारा मानसिक बोझ, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, परेशानी, टेंशन ये सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे लिए बेकार है। कैसे है बेकार? क्योंकि दिखावे की संस्कृति से क्या होता है, अशांति बढ़ती है, अशांति बढ़ती है और सांस्कृतिक जो अस्मिता है हमारी, जो हमारे संस्कार हैं उनका भी विनाश होता है। हमारे जो उद्देश्य हैं जीवन को जीने के वो धुंधले हो गए हैं। जीवन में स्वास्थ्य आदि जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उनके स्थान पर दिखावे के कारण अनेक बीमारियां आ गई हैं, अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियां आ गई हैं। तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन है। इसी प्रकार स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है। अपने स्वार्थ के लिए हम बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता हो तो हम सोचते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की जो संस्कृति है वो ये है। भोग की कामनाएं, यानी कि हर वस्तु का उपयोग मैं ही कर लूँ, ये क्या कामना होती है? भोग की कामना होती है। इस तरह की कामनाएं आकाश को छूती जा रही हैं और इनकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से देखिए गांधी जी ने क्या कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी नींव पर कायम रहें। नींव हमारे क्या है? किसी की नकल में हमें कोई वस्तु को उपयोग नहीं करना है, भोग नहीं करना है, बल्कि हमारी आवश्यकता यदि उस वस्तु की है तो ही हम उसका उपभोग करना पसंद करें। और अभी जो उपभोक्तावाद की संस्कृति चल रही है, अनचाहे ही सामान खरीद लिया, बिना चाहे वस्तुएं खरीद ली, दिखाने के लिए गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, बाइक्स ये सब खरीद लिए, तो ये चीज़ जो है हमारे लिए चिंता और चुनौती का विषय बनती चली जा रही है। पूरे निबंध में यही बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।